वेट लॉस विद एक्यूपंक्चर कितना इफेक्टिव है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कितना बेनिफिशियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ डॉक्टर साइमा ज़ुहूर एंड आई एम डूइंग माय प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल एक्यूपंक्चरिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वेट लॉस विद एक्यूपंक्चर। मोस्ट कॉमनली वेट लॉस के लिए जब हमारे जहन में एक ख्याल आता है तो लोग जो है वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ जाते हैं और उनसे जो है अपने डाइट प्लान्स लेते हैं, या फिर वो उनके माइंड में होता है कि एक्सरसाइज की जाए या फिटनेस का कोई प्लान ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल ये एक तरीका जो है बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मोस्ट कॉमनली वेट लॉस में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंटली अपना रोल प्ले करती हैं। एक्यूपंक्चर जो है ये आपको किस तरह से वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, उसमें ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्यूपंक्चर एक सेफ मोडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम छोटी और बारीक नीडल्स के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इंसर्ट करते हैं और विदाउट एनी पेन ये बॉडी के एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करता है। सो जहाँ पे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो जब वेट लॉस का जो है नाम लिया जाता है तो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले ये देखा जाता है कि वेट गेन की क्या रीजंस हैं और क्या कॉजेस हैं। बेसिकली दो चार रीजंस होती हैं जिसमें आपका एक स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल हो सकता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं ईटिंग के एज अ जिसे कहते हैं कि आप वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, कुछ लोगों को मीठा खाने का शौक होता है, इसकी सो कॉल्ड सो मैनी रीजंस हो सकती हैं बिहाइंड। तो सबसे पहले जब हम उसकी रीज़न को डिफ़ाइन कर लेते हैं बेसिकली कि रीज़न क्या है और क्या पैथोलॉजी है पेशेंट की, किस वजह से जो है उसका वेट जो है वो गेन हो रहा है या स्टक हुआ हुआ है या कोई प्रॉब्लम है वेट से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एक्यूपंक्चर जो है सबसे पहले उसमें आपकी फ़ूड क्रेविंग्स को हम रोकते हैं। अगर कुछ लोग को बार बार खाने की आदत होती है या जो मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं, देर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती और ये नेचुरली होता है। इसमें कोई भी हम मेडिसिन नहीं देते, हमारी स्पेसिफिक नीडल्स होती हैं जिसमें ईयर एक्यूपंक्चर को यूज़ किया जाता है। थम टेक नीडल होती है, बहुत छोटी सी होती है, जिसको हम ईयर पे जो है स्पेसिफिक एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 6 से 8 दिन वो नीडल वहीं रहती है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की जो है एनर्जी बूस्ट करती है और आप ज़्यादा खाने की बजाय सिर्फ अपने जो प्रॉपर मील्स हैं वो ही लेते हैं और आपकी स्ट्रेस जो है उसको रिकवर करता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हार्मोन्स इन योर बॉडी। सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लाइक फर्टिलिटी की पेशेंट्स होती हैं या जो हमारी PCOS की पेशेंट्स हैं उनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है लैब टेस्ट के जरिए कि उनके हार्मोन्स की कोई फ्लक्चुएशन है या कोई उनका थायराइड अपसेट है। तो उसके भी स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि थायराइड को जो है नॉर्मल करते हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को क्योर करने के लिए एक्यूपंक्चर के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि स्कैल्प पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हार्मोन्स की जो सिक्रेशन है वो नॉर्मली रेगुलाइज होती है। उसके साथ साथ हम मंथली आपकी रिपोर्ट्स देखते जाते हैं सो दैट वी कैन नो कि आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसकी क्या कंडीशन है। बहुत ही कामयाबी के साथ हम एक्यूपंक्चर के साथ और आपकी फूड थेरेपी के साथ वेट लॉस करते हैं। 2 से 3 माह के अंदर PCOS की पेशेंट्स का जो है 15 से 20 किलो वज़न कम हो जाता है, जिसमें अगर वो एक्सरसाइज भी करती हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जाहिर है कि आप अगर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी का वेट भी रिड्यूस होगा, मसल्स टाइट रहेंगे और आपको जो है एक अच्छी सेहत भी आपकी रहेगी। उसके साथ साथ मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते बिटवीन एक्सरसाइज एंड डाइट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि या तो डाइट में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है या एक्सरसाइज कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें इस तरह से एक्यूपंक्चर से हम ट्रीटमेंट देते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी
अच्छे जिम के ट्रेनर के अंदर रह के एक्सरसाइज करें, खुद से एक्सरसाइज ना करें ताकि आप स्पेसिफिकली आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी की क्या नीड है। प्लस ये है कि वो लोग जिनके एनर्जी लेवल्स वीक होते हैं, जब हम एक्यूपंक्चर परफॉर्म करते हैं तो उनको ज़्यादा थकावट नहीं होती, बल्कि वो एक हेल्दी तरीके से अपने जिम की जो रूटीन है उसको भी फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ डाइट की भी जो उनकी रूटीन चल रही होती है तो उसमें उनको ना तो क्रेविंग्स होती हैं ना वो थकते हैं। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस के लेवल्स को जो है वो एक्यूपंक्चर कम करता है, आपकी नींद को जो है भरपूर करता है, क्योंकि नींद जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि जैसे जैसे हम एक्यूपंक्चर को परफॉर्म करते हैं आपकी नींद का साइकिल जो है वो रेगुलर होता है, आपकी इंटरनल बॉडी क्लॉक के जो सर्कैडियन रिदम्स हैं वो सही तरीके से काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सारा दिन आपकी जो जिस्मानी मशक्क़त है या कोई भी आप जो काम करते हैं उसमें आप थकते नहीं हैं, तो रात को एक भरपूर नींद का आपका एक टाइम बन जाता है जिसकी वजह से आपकी नींद अपसेट नहीं होती। सो ये कुछ बेसिक जो है वो हमारी मेथोडोलॉजी होती है जिससे हम एक्यूपंक्चर के साथ जो आपका वेट लॉस करते हैं, और बड़ी कामयाबी से वेट लॉस परफॉर्म होता है। आम जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो कामयाबी से हो ही जाता है, लेकिन वो ऐसे लोग जिनके फीमेल्स जिनको PCOS का इशू होता है या जिनके कोई हॉर्मोन्स का या थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनका भी हम एक्यूपंक्चर के ज़रिए बड़ी कामयाबी से वेट लॉस कर सकते हैं। सो अगर आपको एक्यूपंक्चर के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए या आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।